हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमें कहीं जाना है, और कहाँ जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं सोई भी नहीं हूँ और 4 बज चुके हैं, 4:15 हो रहे हैं। तो अभी बच्चों को उठा देती हूँ ट्यूशन जाने के लिए, थोड़ा चाय वाय बनाती हूँ और खाने की तैयारी करते हैं। दिन में आज मैं अपनी फ्रेंड से बात करने लग गई थी, तो उसमें ही मुझे 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगा। तो अब मैं उठ के अब काम करती हूँ। और ये देखो, डुगू अभी सो रही है। डुगू अभी नहीं उठेगी। उठ जा डुगू, टाइम हो गया, ट्यूशन जाना है। जाना नहीं है, ट्रेन से जाना है। जाना है ना, फिर मैं आपके कपड़े निकाल दूंगी। नहीं जाना, मना कर रही ना। जाना है, नहीं जाना। आपके कपड़े निकाल दूं बैग से, आपकी टिकट कैंसिल। उठ के बैठेगा बंदर, नौटंकी। चलो तो ठीक है, मैं उठती हूँ, चाय बनाती, फिर से उठाती हूँ। उठ गई है वैसे ही। हेलो बोलो, हेलो बोलो। नहीं बोलेगा, बोलो। अभी चादर भी बिछानी है बाबू, बहुत सारे काम करने हैं। तो ठीक है, अभी हम जो जो काम करते हैं मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस, इधर मैंने चाय रख दी है बच्चों के लिए, और इधर रख दिए हैं मैंने प्रेशर कुकर में आलू उबालने के लिए, और ये मैंने करेले साफ़ कर लिए हैं। तो मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मैं कल नहीं रहूंगी यहाँ पे, तो सुबह पापा जी के लिए हो जाएगा ये। तो टिफ़िन में करेले चल जाते हैं, और मौसम भी थोड़ा ठीक है, तो इसे मैं टिफ़िन में करके रख दूंगी। ये इसके लिए मैंने प्याज साफ़ कर लिया है, मैं थोड़ा सा आटा भिगो लेती हूँ। तो अगर वो मैंने सब कुछ कर लिया था और चाय भी बन गई, तो बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो रहा है, 4:30 बज गए थे। तो मैं फटाफट से चाय उनकी छानने लगी थी ताकि वो लोग पी लें। इधर मैंने आटा रख दिया था, तो सारा काम करना ही होता है, कहीं जाओ तो वैसे ही काम बढ़ जाता है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा अभी घर में कोई साथ में नहीं है, तो मैं और मेरी नंद मिल के कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे भी होता है। तो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो काम बढ़ जाता है, मगर ठीक है, मिल बांट के हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैं बच्चों की चाय छान रही हूँ, उन्हें चाय वाय दे देते हैं, और साथ ही साथ चाय देने के साथ में फिर मैं इधर ही कुकर में आलू हो गए थे, तो इन्हें भी मैंने साइड में रख दिया। तो अब मैं कर लेती हूँ इधर आटा भिगो लेती हूँ उसकी तैयारी। तो उसमें थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूंगी, और अजवाइन डालने के बाद में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दूंगी, क्योंकि आलू में जैसे मैं थोड़ी सी मिर्च डालूंगी तो बच्चों के लिए फिर पूरी हो जाएंगी, बच्चे खा लेंगे आराम से, तो उनके लिए भी हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ऊपर आए तो कुछ पूछ रहे हैं, तो वो मैं बता रही थी, अब मुझे याद नहीं है मैं क्या बता रही थी। तो वही कुछ ना कुछ सामान रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ याद आ ही रहा है, अभी ये रह गया, अभी वो रह गया, जाते जाते काम बढ़ते ही जाते हैं। तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक मैं डाल देती हूँ इसमें ताकि बच्चों के लिए हो जाए। और ये देखिए, नमक भी मैंने डाल दिया है, साथ ही साथ मैं आटा भिगोऊंगी। मगर बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, उनका टाइम हो गया, मैं सोचा टाइम पे हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि रात में ट्रैफिक भी हो जाता है ना, तो हम टाइम पे सब चीज़ें करके निकल लेंगे। तो सब चीज़ें मैं तैयारी कर रही हूँ, इधर आटा भिगोने के लिए मैं ले लेती हूँ पानी, और आटा भिगो लेती हूँ। तो आरो हमने अभी यस वाले फ्लोर पर नहीं लगवाया, क्योंकि नीचे आरो है, तो ये हमने जो फिल्टर रखा हुआ है इसमें पानी भर लेते हैं मीठा वाला, तो हो जाते हैं। मैंने बच्चों की चाय दे दी है, अभी बच्चे अपना चाय पियेंगे और ट्यूशन जाएंगे। फटाफट से आटा भीग जाएगा मेरा। तो गैस, आटा भीग गया था, साथ ही साथ मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ किचन साफ हो जाता है तो फिर झंझट नहीं लगता और काम करने में आसानी रहती है। तो मैं सेल्फ वगैरह हाथ के हाथ ही साफ करती जाती हूँ, और उसके बाद में ये साफ सफाई करने के बाद में जो भी है उसके बाद में सब समेट दूंगी, बर्तन जो है खाली कर लूंगी, तो ये सारा काम सबसे पहले है। तो गैस, इधर मैंने आटा भिगो दिया है, देखिए, और इसको ढक दिया है ताकि थोड़ा प्लेन हो जाएगा, फिर हम पूड़ी बनाएंगे। और आलू भी हो चुके हैं तो इसको हम बंद कर देंगे। और इधर मैंने करेले की तैयारी कर ली है, तो मैं करेले भी छौंक देती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ। हाँ बेटा। तो गैस, अब इधर देखिए, मैंने सरसों का तेल खोल लिया है, और करेले तो सरसों के तेल में ही अच्छे बनते हैं लोहे की कढ़ाई में, तो मैं वो कर रही हूँ अपना, तो अपना इसको ही कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। अब पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो जाता है, इसकी स्क्रीन भी अपने आप ही छोटी हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरा फ़ोन भी भाई मनमौजी है, जब इसका जो मन करता है ये वही करता है। तो ये मैंने थोड़ी सी इसमें सरसों डाल दी है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, प्याज कटा हुआ है, और हींग तो मस्ट है करेले में, तो वो मैं डाल देती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ अपने करेले की तैयारी, और प्याज मैंने कट कर लिया था, हरी मिर्च कर ली थी, कर लेते चिमनी ऑन, और फटाफट से पता नहीं क्या हो गया, देखो स्क्रीन अपने आप ही छोटी हो गई है, भगवान जाने इसमें क्या हो जाता है।
ये ऐसी है। तो हम इसे मैंने करेले हो गए हैं तो इसको मैं ढक देती हूँ प्याज पका के, और फटाफट से ये भी बन जाए। तो गाइस इधर देखो, अभी मैं ये मिर्च कट कर लेती हूँ। तो इससे मिर्च काटना ना बहुत इजी रहता है, इससे काटो तो हाथ आँख में नहीं लगता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और इसे कट करके मैं आलू में डाल दूँगी हरी मिर्च। लाल मिर्च तो मैंने डाली नहीं है भाई, पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, भगवान ही जानता है। तो ये इधर मैं आलू की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अब उसका पूरा वीडियो शूट करा था बट वो आ ही नहीं रहा, सिर्फ मैं दिखाई दे रही हूँ, और जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो बोर हो जाएंगे कि क्या अपने आप को दिखाती रहती है। तो पीछे मेरे हस्बैंड आए हैं, वो बच्चों की जो दूध की बोतल वगैरह है वो सब रख रहे हैं, तो वही कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने बोला एक ही बोतल रख लो क्योंकि बड़े वाले तो पीती नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट वो कह रहे नहीं अगर कभी मन करेगा तो। मैंने कहा ठीक है भाई रख लो। तो वही सब कर रहे हैं। अब मैं इधर आलू में नमक वमक डाल देती हूँ, नॉर्मल से ही बना रही हूँ तो रेसिपी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सभी को पता है आलू कैसे फ्राई करते हैं। तो ये हो रहा है साथ ही साथ में, और तैयारी भी कर रहे हैं, इनसे मैं थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रही हूँ, तो बातें करते करते हो जाएगा हमारा काम और आलू बन जाए उसके बाद में फिर टेंशन नहीं है। आटा लगा ही हुआ है, सब्जियाँ बन गई हैं, तैयारी सारी हो चुकी है, कपड़े वपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, तो बस अब रह जाएगा पूड़ी तलना। तो मैं सोच रही हूँ जैसे ही बच्चे ट्यूशन से आएंगे 6:30 पे तो मैं पूड़ी तलना शुरू कर दूँगी, तो आधे घंटे में हमारी पूड़ी वूड़ी रेडी हो जाएंगी। तो अपना ही रहेगा क्योंकि फिर ज़्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं है ना, ये लोग फिर ठंडा खाएंगे, हम लोग तो चलो फॉइल में करके ले जाएंगे, हमें तो ठंडा खा लेंगे। बाकी वैसे तो बाहर जाके भूख लगती नहीं है बट फिर भी ठीक है, बच्चे जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत रखना भी पड़ेगा। तो ये हो गया है, तो बाकी अभी देखते हैं आगे व्लॉग में। तो गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं, ये देखिए, और हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं जाके ही आप लोगों को बताऊंगी, और मैं कैसी लग रही हूँ, बुरी लग रही होंगी तो आप जैसा भी हो ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरा आउटफिट, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था, बहुत प्यारा है ये। तो हम लोग निकलते हैं और चलते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।